पापा मेरे पैसे कहाँ गए? कौन से पैसे बेटा? पापा अंदर जो मैंने कमरे में रखे थे। मौलवी साहब के अलावा दावत पर आज तो हमारे घर कोई भी नहीं आया था, मुझे लगता है वो ही लेके गया है। मुझे भी मौलवी साहब पे शक है। क्या? जिसको हमने इतनी इज्जत एहतराम के साथ अपने घर बुलाया, जिसको हमने खाना खिलाया और तो और हमने उसको अपना इमाम भी बनाया हुआ है, उसने हमारे घर चोरी की? मुझे यकीन नहीं हो रहा। अरे पापा जरा उधर तो देखो, शक्ल से तो कैसे नेक और हाजी लग रहा है, मेरे चुपके से पैसे उठा रहे चोर कहीं का। अस्सलाम वालेकुम। उधर देखो मकार को, हाथ में तस्दी और काम चोरों वाले। मियां अस्सलाम वालेकुम। इनको क्या हो गया अचानक? एक साल के बाद बेटा इस बार हम फिर से घर में दावत कर रहे हैं, बताओ किसको बुलाएं? पापा जिसको पिछले साल बुलाया था उन्हीं को बुला लेते हैं। बेटा पिछले साल तो हमने उस मौलवी को बुलाया था जिसने हमारे घर चोरी की थी। पापा दोबारा उसी मौलवी को बुला लेते हैं और घर में उसे शर्मिंदा भी करेंगे। हाँ आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं अभी उस मौलवी को दावत देता हूँ, आप घर में इंतजाम करें। अरे मौलवी साहब आज हमारे घर दावत है, आप जरूर तशरीफ लाइएगा। ठीक है बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आइए मौलवी साहब तशरीफ लाएं। शुरू करें मौलवी साहब। भाई उमर साहब मैं देख रहा हूँ पिछले एक साल से आप लोगों का रवैया मेरे साथ कुछ ठीक नहीं था, आखिर क्या बात है? अरे मौलवी साहब आपको तो याद होगा कि पिछले साल हमने आपकी दावत की थी और यहाँ हमने कुछ पैसे भी रखे थे और वो पैसे चोरी हो गए थे। हमारे बच्चों को इस बात पे शक है कि वो पैसे आपने चोरी किए थे, क्या वो पैसे आपने उठाए थे? जी बेटा वो पैसे तो मैंने ही उठाए थे। बेटा दरअसल जब पिछले साल मैं खाना खा रहा था तो उस वक्त तेज आंधी चल पड़ी जिसकी वजह से पैसे इधर उधर बिखर गए और वो पैसे मैंने उठा लिए थे। अरे मौलवी साहब कोई बात नहीं, इंसान से गलती हो जाती है। बेटा मैं इसलिए नहीं रो रहा कि आप लोगों ने मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाया, बल्कि मैं तो इसलिए रो रहा हूँ कि 365 दिन गुजर गए और इस घर में से किसी एक ने कुरान मजीद खोल कर नहीं देखा। अगर कुरान मजीद खोल कर देखते तो वो रकम आपको कुरान मजीद के अंदर से ही मिल जाती। हाय अफसोस। हाय अफसोस, हम मुसलमानों के लिए इससे बड़ा शर्मिंदगी का बायस और क्या हो सकता है, जहां पर दुनिया की झूठी खबरें हर रोज पढ़ी जाती हैं और कुरान मजीद को सालों तक खोल कर भी नहीं देखा जाता। और याद रखें जिस गांव में बारिश ना हो वहां की फसलें खराब हो जाती हैं और जिस घर में दीन और कुरान ना हो वहां की नस्लें बर्बाद हो जाती हैं। जरा गौर करें आपने आखिरी बार कुरान मजीद कब खोला था, लिहाजा इस वीडियो को इतना शेयर करें ताकि दुनिया के हर मुसलमान तक ये वीडियो पहुँच जाए।